हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बिजनेस मंत्रा पर आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम नए बिजनेस आइडियाज़, मोटिवेशन, करियर, अर्न मनी, मार्केटिंग आदि के बारे में जानकारी देते हैं। आज हम जानकारी दे रहे हैं बनाना चिप्स के बिजनेस के बारे में। आलू चिप्स की तरह बनाना चिप्स को भी लोगों द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। आलू चिप्स के बिजनेस की तरह बनाना चिप्स का बिजनेस भी आज प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका है। आज इस बिजनेस में कंपटीशन काफ़ी कम है। आलू चिप्स बनाने में लगी बड़ी कंपनियां फिलहाल इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में छोटे स्तर पर चिप्स का उद्योग शुरू करने वालों के लिए मार्केट खाली पड़ा है, इसलिए नए उद्यमियों के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी अवसर है। बनाना चिप्स साउथ इंडिया में अधिक पसंद किया जाता है। अपने अनोखे स्वाद के लिए देश के अन्य हिस्सों में भी इसे पसंद किया जा रहा है। बनाना चिप्स का बिजनेस यदि शुरू करते हैं तो आप इसे स्थानीय मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, रेस्टोरेंट, किराना दुकान, सुपरमार्केट या स्वयं का काउंटर स्थापित कर इसे बेच सकते हैं। बड़े स्तर पर इसे शुरू करने के लिए अनेक प्रकार के मशीनों की आवश्यकता होगी, जिसका बजट 5 से 10 लाख रुपए होंगे, जिसमें केले को धोने, छीलने, काटने, फ्राई करने, मसाला पीसने, पाउच में पैक करने आदि की मशीनें होंगी। इसके अलावा रॉ मटेरियल, कच्चे केले, तेल, नमक, विभिन्न प्रकार के मसाले और पैकिंग सामग्री की आवश्यकता होगी। बनाना चिप्स मशीन के बारे में अधिक जानकारी के लिए इंडिया मार्ट की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस बिजनेस को शुरू करने के पहले अपने यहाँ के मार्केट का सर्वे कर ले। दूसरी बात, जिस क्षेत्र में केला अधिक होता है उसी क्षेत्र में इसका प्लांट लगाए, जिससे इस पर लागत कम आएगी और लाभ अधिक होगा। बनाना चिप्स मेकिंग और मार्केटिंग के बारे में अधिक जानकारी या अनुभव ना होने पर किसी प्रोफेशनल से सलाह ले सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अपने नए वीडियो में एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ। गुड बाय, टेक केयर।